बसमिली असल वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस मैथ फॉर आईकम पार्ट वन बुक हम शाहिद जमाल की यूज़ कर रहे हैं चैप्टर टू कंटिन्यू है का हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सो so ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है ए बॉथ आई यूज कार फॉर रुपीज़ टू सेवेंटी एंड गॉट इट रिपेयर फॉर रुपीज़ टेन थाउजेंड एंड रुपीज़ फाइव थाउजेंड एंड रुपीज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑन थ्री डिफरेंट एक्वेजन्स ही देन सोल्ड एट फोर रुपीज थ्री फिफ्टी फाइन प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास इसकी क्या आगे विन है देखें सोल्ड कह रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो गई इसकी सेलिंग प्राइस हो गई ठीक है सोल्ड हमने देखने के साथ ही समझ जाना है हमारे पास क्या विन है ठीक है तो सेलिंग प्राइस हो गई है अब कह रहे हैं कि एक कोई बंदा है उसने कार को परचेज किया यानी कि ख़रीदा है ठीक है एक कार को कौन सी कार को यूज्ड कार को कितने में टू सेवेंटी में और फिर उसने रिपेयर करवाया उसको थ्री टाइम्स बार रिपेयर करवाया एक बार उसने टेन थाउजेंड में रिपेयर करवाया एक बार उसने फाइव में एक बार उसने ट्वेंटी में अब ये सारे उसने पैसे अपने पॉकेट से तो दिए और जब उसने कार जब परचेज़ की थी तो वो पैसे कितने थे टू सेवेंटी अब उसमें उसने उसने खर्चा किया और एक्सपेंस उसका कितना हो गया देखेंगे कितना सारा कितने टेन थाउजेंड को ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को फाइव थाउजेंड का प्लस करेंगे तो वो भी हमारे पास की जो कार की क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस है उसमें ऐड होगा क्योंकि ये भी तो सब उसकी पॉकेट से और सारे खर्चे हुए कितने जितने भी खर्चे हुए जब उसने कार खरीदी वो भी उसके पैसे अपने पास से गए फिर जब उसने रिपेयर करवाया तो वो भी उसके पैसे गए तो ये सारी जो जितनी भी ये थ्री अमाउंट्स और गिवन है ये भी इसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी तो ये कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड हो जाएगी और हमारे उसकी सेलिंग प्राइस के है फिर हमने क्या करना है दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा लेकिन हमें क्या फाइंड करना है हमें उस प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था क्वेश्चन को सेम यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा ठीक है तो आपको मैं करके बताती हूँ तो ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस ऑफ कार की हेडिंग इस तरह से डालेंगे ठीक तो है तो हम अब क्या निकाल लें टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी हुई टोटल हमारे पास देखें जब उसने कार ख़रीदी थी तो कितनी टू सेवेंटी अमाउंट थी तो हमने टू सेवेंटी को क्या करना है और फिर उसने क्या किया इतने सारी और अमाउंट्स हमारे पास और किए है तो इन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे एक हमारे पास है टेन थाउजेंड क्योंकि ये सब उसका क्या हो रहा है एक्सपेंस उसका जा रहा है ना सब एक्सपेंस है यानी कि उसने अपने पॉकेट से ही तो खर्चा किया है इसने किसी और ने थोड़ी ना इसको दिया है ये सब इसका अपना खर्चा है ठीक है तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी तो जैसे मैंने बताया ये सब कॉस्ट प्राइस है तो ये भी इसकी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएगा तो ये इस तरह से हमारे पास टू सेवेंटी में हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है इसकी थ्री लाख टेन थाउजेंड तो ये इसकी क्या हो गई टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई ठीक है टोटल मैंने आपको बता दिया टोटल कैसे हुई ठीक है अब हमने हमारे पास क्या गिवन है इसकी सोल्ड प्राइस इसने जब सोल्ड किया था जब उसने सोल्ड कर दिया तो उसको क्या थ्री फिफ्टी में उसने सेल करा यानी कि ये क्या हो गई सेलिंग प्राइस हो गई और ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई तो इन दोनों को माइनस कर देंगे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा फिर प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट से उसकी परसेंटेज निकालेंगे ठीक है परसेंटेज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना है देन प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि आप प्रॉफिट फाइंड करें लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी जो है तो ये हमारे पास प्रॉफिट प्रॉफिट से फाइंड करने के लिए फार्मूला है पता है सबको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है जो कि है कितनी थ्री फिफ्टी माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि हमारे पास है थ्री टेन सिंपल हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास माइनस करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड क्या हो गया हमारे पास इसकी प्रॉफिट हो गया ठीक है प्रॉफिट अब हमने क्या करना है इसकी परसेंटेज निकालनी है यानी कि इससे इसकी परसेंटेज निकालेंगे जो कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन हमें मांगा गया है हमें यही फाइंड करनी थी लेकिन देखिए हमने डायरेक्ट फाइंड नहीं किया इतने सारे कैलकुलेशन होने के बाद फिर हमारे जाके आंसर फाइंड हो रहा है ठीक है तो ये हमारा परसेंटेज फॉर प्रॉफिट के लिए फार्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सी पी माइनस मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सही है तो यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज प्रॉफिट है ये ऐसे ही आ जाएगा प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन uh, है अभी हमने फाइंड किया है जो कि कितना है फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास है ठीक है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड से कर देंगे और कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास गिवन है कितनी है हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमने थ्री टेन निकाली थी यहाँ पे कर देंगे कॉस्ट प्राइस थ्री टेन फोर्टी थाउजेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से सिंपल यहाँ मैं लिख देती हूँ तो यहाँ हमारे पास जगह कम है मैं यहाँ फिर भी लिख देती हूँ ये हमारे पास हमने फोर्टी को फोर्टी थाउजेंड को मल्टीप्लाई हंड्रेड से करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है अमाउंट फोर ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो ठीक है तो ये हमारे पास आ गया और हमारे पास अपॉन में जो है ऑलरेडी अमाउंट है थ्री टेन वो ऐसे ही लिख देंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट अभी आ जाएगा अब ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल देखेंगे ये फ़ोर ज़ीरो है नीचे तो ऊपर भी हमने फ़ोर ज़ीरो कैंसिल कर दिए अब हमारे पास फोर्टी और यहाँ से एक और ज़ीरो है अपॉन में हमारे पास थर्टी वन है ठीक है अब सिंपल हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे फोर हंड्रेड को थर्टी वन से ठीक है फोर हंड्रेड को थर्टी वन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसकी डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगी जो कि है ट नाइन परसेंटेज तो ये हमारे पास इसकी प्रॉफिट परसेंटेज की अमाउंट आ रही है जो ये है कितनी ट्वेल्व नाइन ठीक है ये पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट नाइन परसेंटेज ठीक है ये हमारा इसका आंसर आ जाता है जो कि हमें फाइंड करने को कहा हुआ था प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करें तो ये हमारा आंसर है इसका और अमाउंट कितनी थी प्रॉफिट की फोट फोर्टी परसेंट हमारे पास क्या थे पूरी फोर्टी थाउजेंड थी हमारी इसकी प्रॉफिट की अमाउंट उसका हमने परसेंटेज निकाला जो कि है ट्वेल्व पॉइंट नाइन परसेंटेज सो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही तो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़